सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में एक और लापरवाही सामने आई है, जिससे अस्पताल में उपयोग हुई सिरिंजों को खुले में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से जहां एक ओर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ये किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपयोग में लाई गई सिरिंजों को किस तरह से और कहां फेंकना है, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश पहले से ही जारी होते हैं और इन्हें काफी सख्ती से पूरा करने में हिमाचल भी उन पर अमल करता है, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी सोलन का अस्पताल और प्रशासन इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और सुविधाओं की जगह लोगों और जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट महेश गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये मानने से इनकार कर दिया कि अस्पताल के पास फेंकी हुई सिरिंजें उनकी हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर पर्दा डालते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वे इस मामले की जांच करेंगे और इस तरह की घटना दोबारा ना हो ये सुनिश्चित भी किया जाएगा। गौरतलब है कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पहले ही चिकित्सकों की कमी है। कुछ दिनों से रोगियों को अस्पताल में पीने तक का पानी नहीं मिल रहा था, अस्पताल में एक्सरे और जरूरी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और अब सिरिंजों और उपयोग में लाए जा रहे दस्तानों को खुले में ठिकाने लगाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि अस्पताल के आला अधिकारी सिर्फ अस्पताल में टांग पर टांग रख आंख बंद कर औपचारिकताएं निभा रहे हैं और उन्हें आम जनता की सुविधाएं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक ये नालियों में सिरिंजेस मिलने की बात है, ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई गई हैं, इसको मैं पूरी तरह से देखता हूँ कि कहाँ से ये, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा स्टाफ तो ये करेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए फुल प्रूफ बायोमेडिकल हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। उनको बीन्स दिए गए हैं, वो अपनी सारी जिस बीन्स में जो चीज़ डालनी होती है उसमें डालते हैं, उसके बाद हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको गैदर करके फिर प्रॉपर उसको जो बायोमेडिकल वेस्ट का हमारा जो सेंटर है जहाँ पे कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हफ्ते में दो बार जो है वो बायोमेडिकल की गाड़ी आती है बायोमेडिकल वेस्ट वालों की और वो उस सामान को यहाँ से ले जाती है। तो मुझे लगता है ये हमारा स्टाफ तो नहीं करेगा, पर फिर भी जैसे आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है तो मैं इसका पूरी तरह से वो करवा के इन्वेस्टिगेशन करवा के और आगे से ऐसी चीज़ ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी।